गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। रोल नंबर वन प्रेजेंट सर। रोल नंबर वन आपने यस सर प्रेजेंट सर। ठीक है एक प्रेजेंट सर। रोल नंबर थ्री एक मिनट एक सर। रोल नंबर टू नहीं चल पा रहा है। कौन बोल रहा है? ठीक है। रोल नंबर वन हो गया। टू यस सर। आकाश थ्री यस। अमित प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अमृता प्रेजेंट सर। फाइव अनामिका प्रेजेंट सर। सिक्स सेवन प्रेजेंट सर। अंजनी यस सर। एट यस सर। यस सर।
9 Present sir. Ankita. Present sir. 10 Anshika. Present sir. Present sir. 10 roll number 10 Anshika. Yes sir. Present sir. 11 Anu. Anupriya. Roll number 11. Twelve, Anurag. Thirteen, Arpit Srivastav. Zero, Mayank. Arpit. Present, sir. 14. 13, present. Okay, 14. Ye kon hai? Fifteen, present. Ayushi. 16. Yes, sir. Present, sir. 17. Present, sir. 18. Present, sir. 19. Sir. Present, sir. 20. हाँ, अभी मैं कर देता हूँ. 20. उनके रोल नंबर मुझे दिख रहे हैं. 20, 21, दीक्षा. 21, दीक्षा. 22, 23, दिव्या सिंह. 23, 24. Yes, sir. 25, 26, जतिन. Yes, sir. Yes, sir. 27, 28, yes sir. 29, 30, present sir. 31, 32, present sir. 32, 33, 34, 35, yes sir. 36, 37, 38, Komal, 38, present sir. 39, yes sir. Present sir. 40, present sir. 41, present sir. 41 किसका है? 41 मुझे नहीं दिख रहा इधर. Present sir. समान सी. ठीक है, ठीक है. 42. Yes, sir. 43, 44. Yes, sir. Yes, sir. 43. 43, Neha Singh. Yes, sir. Sir, 44. 44, Nidhi. Sir, 44. 45, 46. Sir, yes, oh, it's waiting list, man. Present, sir. 45 waiting, man. ठीक है, मैं इनको admit कर देता हूँ. 45 हो गया. 46. Present sir. 47. 48. Present sir. 48 Pawan. Yes sir. 49. Poonam Yadav. 49. 50. Present sir. Present sir. 51. Present sir. 52. Present sir. Present sir. 53. Yes sir. 54. 54 roll number. Yes sir. 55. Sir. 56. Present sir. 56. 57, Richa. Sir, 57. 58. Present, sir. 59. 60. Riya. 61. 60, present, sir.
61 प्रेजेंट सर. ओके 62 साक्षी सर. 62 प्रेजेंट है, उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है. उसका रोजी प्रॉब्लम रहता है क्या? 63 सर, चैट बॉक्स पे उसने भेजा है. 63 64 प्रेजेंट सर. 65 66 67 प्रेजेंट सर. 68 69 70 71 72 73 श्रद्धा 73 प्रेजेंट. ओके 74 प्रेजेंट सर. 75 81 82 प्रेजेंट सर. 82 प्रेजेंट. ओके 83 प्रेजेंट सर. 83 प्रेजेंट. 84 प्रेजेंट सर. 85 उत्कर्ष प्रेजेंट सर. 84 प्रेजेंट. प्रेजेंट सर. ओके ओके 84 प्रेजेंट. 85 प्रेजेंट. 86 87 प्रेजेंट सर. 88 प्रेजेंट सर. 89 90 रोल नंबर 90 विक्रम. प्रेजेंट सर. अभी कोई बचा है? यस सर प्रेजेंट सर. नहीं अभी अभी और कोई बचा हुआ है? सबके अटेंडेंस हो गई ना? ठीक है. कोई वेटिंग में है? नहीं है. ठीक है तो अभी हम लोग लास्ट क्लास में यानी कल हम लोग बात कर रहे थे. दीदी कौन है ये? दीदी सुनना यार, म्यूट करो यार. कौन है? अंकित तिवारी. तुम लोग इतने दिन से क्लास ले रहे हो ऑनलाइन, लेकिन इतना नहीं समझ में आया. हाँ तो ई कॉमर्स को कल हम लोग ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा बहुत बात कर रहे थे कि थोड़ा ही स्टार्ट ही किया था हम लोग ने कि ई कॉमर्स होता क्या है. जैसे कि कॉमर्स से मतलब क्या है, जो आप बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज कर रहे हो दैट इज कॉमर्स. और अगर मैं वहां पर मोड मीडियम चेंज कर दूं यानी इलेक्ट्रॉनिकली वही सारी एक्टिविटीज करूँ दैट विल बी ई कॉमर्स. ठीक है. और तुम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते होगे तो तुम लोग को तो आइडिया होगा कि ये जो ई कॉमर्स प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है. टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा तुम लोग ने इसके बारे में. तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है. ये सब हम लोग ने कल बात कर ली थी. व्हाट इज ई कॉमर्स? इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सच एज इंटरनेट एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स. व्हाई यूज? ये सारी चीजें भी पढ़ ली थी कल. लो एंट्री कॉस्ट होती है. अभी कोई स्टार्टअप है, कोई नया बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया हुआ है तो उसको अगर डिस्ट्रीब्यूशन उसको तो उसके लिए जो है यहाँ पे एंट्री कॉस्ट लो हो जाती है. कैसे? अभी मान लो मुझे ऑफलाइन कुछ प्रोडक्ट बेचना है तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा. उसके लिए मुझे एक स्पेस चाहिए होगा और बहुत सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, तब उसके बाद मैं उसको उस चीज को ट्रांजेक्शन कर पाऊंगा. लेकिन ऑनलाइन आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास प्रोडक्ट है, आप ऑनलाइन जो भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है वहां पर गए, आपने अपना प्रोडक्ट का उधर डिस्प्ले किया और वो प्रोडक्ट उधर बिकना स्टार्ट हो जाता है. तो इस तरह से बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो लो कॉस्ट में. एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है और आप अपने मार्केट शेयर को इधर सिक्योर कर सकते हो. ये सारी चीजें हम लोग ने कल बात कर ली थी. और अभी बात करते हैं
हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स. तो ई कॉमर्स जो आपका है ये स्टार्ट हुआ 1970s में. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किए जाते थे जो बैंकिंग इंडस्ट्री में. तो यहाँ पर जो है फंड ट्रांसफर करने के लिए ये इस टूल का उन्होंने यूज किया, EFT को इन्होंने यूज किया. ठीक है, उसके बाद लेट 1970s और अर्ली 1980s में EDI आए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. यहाँ पे क्या होता था, आप डेटा को आप यहाँ पर ट्रांसफर करते थे विद इन कंपनी. ठीक है, फॉर ई कॉमर्स विद इन कंपनी. ठीक है, कोई कंपनी है सपोज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो वहां पर डेटा एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस ले जाने के लिए वो लोग EDI को यूज करते थे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. उसके बाद आया 1990s में वर्ल्ड वाइड वेब, WWW. इसके बारे में आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर आप WWW पर आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उधर से आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, वो सारी चीजें आप इधर कर सकते हैं. उसके बाद आप बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में भी सभी को बिल्कुल आइडिया होगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है. अभी कभी भी आप लोग ने बहुत बार किया होगा ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत बार किया होगा, तो वही प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है. अ कंज्यूमर यूजेस वेब ब्राउजर टू कनेक्ट to the home page of a merchant's website on the internet. तो सबसे पहले क्या काम करना है, जो भी merchant website है, जो भी e-commerce website है या उस company की website है, उधर आप गए. The consumer browses the catalog, जो भी product के बारे में जो information दी गई है उसको आपने access किया, उधर से सारी information ली. Featured on the site and select items to purchase, आपने उस product को सेलेक्ट किया परचेज करने के लिए. द सेलेक्टेड आइटम्स आर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ अ शॉपिंग कार्ट में रखा आपने. व्हेन द कंज्यूमर इज रेडी टू कंप्लीट द परचेज ऑफ सेलेक्टेड आइटम दे प्रोवाइड अ बिल. ठीक है, अभी जब आप लेने के लिए तैयार हो जाते तो क्या बिल आपके पास आपको दिखता है, बिल टू एंड शिप टू एड्रेस, आपको एड्रेस बताना होता है. ठीक है, उसके बाद purchase and delivery के address बताने होते हैं. उसके बाद when the merchant's web server receive the information, it compute the total cost of order including tax, shipping and handling charges. तो ये सारा कुछ idea होगा आपको. पहले आपको आप website पे गए, उधर आपने जो product को select किया, जो भी आपके लिए जो भी आपको लगा कि हाँ ये product सही है, फिर आपने address अपनी इंफॉर्मेशन उधर आपने फीड की, उसके बाद आपको जो वो सारा पूरा बिल आ जाता है कि कितने आपको कितनी पेमेंट करनी है. देन द कस्टमर कैन नाउ प्रोवाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूज करके पेमेंट करते हो. व्हेन द क्रेडिट कार्ड नंबर इज वैलिडेटेड एंड द ऑर्डर इज कंप्लीटेड एट द कॉमर्स सर्वर साइट, द मर्चेंट साइट डिस्प्ले द रिसिप्ट कंफर्मिंग द कस्टमर्स परचेज. लास्ट में द कॉमर्स सर्वर साइट देन फॉरवर्ड द ऑर्डर टू अ प्रोसेसिंग नेटवर्क फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग एंड फुलफिलमेंट. तो ये सारा आपका जो है प्रोसेस है ई कॉमर्स का, यहाँ पे फिगर में आप लोगों को बताया गया है. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, आपने ऑर्डर को इधर प्लेस किया, शॉपिंग कार्ट में गया, पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड इज चार्ज्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड आप यूज कर रहे हो उधर से आपने पेमेंट किया, ऑर्डर इज कंप्लीटेड, ईमेल आपके पास आ जाता है कि हाँ ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है. फिर ये इंफॉर्मेशन वेयर हाउस में जाती है, वेयर हाउस से ये इंफॉर्मेशन जो है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के जो मोड है, शिपिंग जो कैरियर है, उधर से जो है आपके पास ये प्रोडक्ट पहुंच जाता है. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है आपका ई कॉमर्स का. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, आप लोग ने शायद पढ़ा भी होगा टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, B2B, B2C. ठीक है, वही चीज हम लोग देखने वाले हैं. सबसे पहले B2B, कोई बता सकता है B2B? बहुत ही आसान सा टॉपिक है. बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, हाँ करेक्ट.
तो इसमें क्या होता है बताओ, हाँ बताओ इसमें क्या होता है, कोई एग्जांपल बताओ। यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है वो नहीं बताना है, कोई दूसरा बताना है एग्जांपल। मतलब जब भी ट्रांजेक्शन जो है आपका बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, मतलब आप जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट को सर, जैसे कि बाई किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। हाँ बताओ सर, जैसे कि सर इसमें कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं होता है, ये केवल मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में ही होता है। जैसे सर ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे जैसे सर कोई मोटो ऑटो पार्ट्स बनाती है एंड दूसरी कंपनी है जो उसको असेंबल करती है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस वो हो गया। बिल्कुल सर, डील हो गई। हाँ जैसे कि कोई कोई कंपनी, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लैपटॉप वगैरह जो है मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो जो भी इसके जो भी पार्ट्स हैं वो सब सारा कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, उसमें कुछ होंगे जैसे प्रोसेसर है या दूसरे जो भी पार्ट्स हैं वो कोई दूसरी कंपनी उसको प्रोड्यूस कर रही होगी, तो वो असेंबल का असेंबलिंग का काम कर रहे हैं, तो वो दूसरे बिजनेसेस से वो प्रोडक्ट लेंगे खरीदेंगे, तो वो जो ट्रांजेक्शन हुआ वो खुद कंज्यूम करने के लिए उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे, वो आगे उसको जो है अपना आगे प्रोसेस करने के लिए वो उसको बाय कर रहे खरीद रहे। तो जो ऐसा ट्रांजेक्शन है वो कैसा ट्रांजेक्शन होगा, बी टू बी ट्रांजेक्शन, चाहे वो मैन्युफैक्चरर से आपका होलसेलर के बीच हो या होलसेलर से रिटेलर के बीच जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो बी टू बी में आ जाएंगे। ठीक है, बी टू बी, तो अभी ये तो क्लियर हो गया भाई बी टू बी क्या है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स। तो यही ट्रांजेक्शन अगर मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है ये ट्रांजेक्शन, तो वो इधर आ जाएगा ई कॉमर्स में। ठीक है, वही ट्रांजेक्शन। बी टू बी स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस, इट कंसिस्ट ऑफ लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। दिस मॉडल डिफाइंस दैट बायर एंड सेलर आर टू डिफरेंट एंटिटीज, इट इज सिमिलर टू मैन्युफैक्चरर इशूइंग गुड्स टू रिटेलर और होलसेलर। तो यहाँ पे जैसे डेल का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, ये आपका फिगर में दिया गया है बी टू बी ई कॉमर्स कैसे होता है, जो प्रोसेस है वो कैसा है। यहाँ पर क्या है, कस्टमर से लेना देना नहीं है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक वेबसाइट है बीच में, ठीक है, जो आपके होलसेलर है इन्होंने वेबसाइट पे जाकर इधर ऑर्डर किया और ये ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ऑर्डर को सप्लाई कर दिया। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सप्लाई कर दिया इसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू होलसेलर्स। ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कैसा है, बी टू बी। अभी बी टू सी बिल्कुल आसान और सिंपल मॉडल है ये। बी टू सी मतलब बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर्स। ठीक है, इट इज मॉडल टेकिंग बिजनेस एंड कंज्यूमर्स इंटरेक्शन। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मॉडल इज टू सेल द प्रोडक्ट ऑनलाइन टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो जैसे कि कंपनी की अपनी वेबसाइट है या ई कॉमर्स जो वेबसाइट है उनके थ्रू ये ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं। अब कस्टमर को कोई कुछ लगा कि हाँ उसको कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, वो कंपनी की वेबसाइट में, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में गए और वहां से उन्होंने उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया, तो ये ट्रांजेक्शन बी टू सी होगा। ये यहाँ पर बी टू सी प्रोसेस है। कैसे, कस्टमर है, इन्होंने वेबसाइट पे गए, इन्होंने इधर से ऑर्डर प्लेस किया और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया उस प्रोडक्ट को, इसमें कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बी टू ई यानी बिजनेस टू एम्प्लॉई। यहाँ पर क्या है, जो भी बिजनेसेस हैं वो अपने एम्प्लॉई से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। कैसे, एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस ई कॉमर्स इंटरनली टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू इट्स एम्प्लॉयज। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को एक अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे अलग से उनको सर्विसेज जो या फिर कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो ट्रांजेक्शन बिजनेस टू एम्प्लॉयज के बीच हो रहा है उसको बोलते हैं बी टू ई। कंपनीज अलाउ एम्प्लॉयज टू मैनेज देयर बेनिफिट्स, टेकिंग ट्रेनिंग क्लासेस इलेक्ट्रॉनिकली बाय डिस्काउंटेड इंश्योरेंस। ठीक है, वो केवल उन्हीं के उनके एम्प्लॉयज के लिए वो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं और दूसरे के लिए नहीं है। ज्यादातर कंपनीज ऐसा ऑफर करती हैं, कुछ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं केवल अपने एम्प्लॉयज के लिए, या फिर कुछ ऐसा जैसे ये ट्रेनिंग क्लासेस है या कुछ ट्रेवल पैकेजेस हैं, ठीक है, इवेंट टिकट्स हैं, तो ये उनके एम्प्लॉयज के लिए ही वो सर्विसेज होती है।
तो वो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कैसा है, बी टू ई। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एनआईआईटी, वो अपने उन्होंने क्या किया, एनआईआईटी ने अपने जो भी उनके एम्प्लॉयज है उनके लिए एक अलग पोर्टल प्रोवाइड किया। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन ये क्या है ई कॉमर्स वेबसाइट है, वैसे ही एनआईआईटी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने एक पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है। वहां पर उनके एम्प्लॉयज वहां पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं और जो भी प्रोडक्ट उधर अवेलेबल है उसको बाय कर सकते हैं, केवल वहां के एम्प्लॉयज केवल। तो और वो कैसे बाय कर सकते हैं, तो उनको वहां पर पैसे नहीं खर्च करने होते, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे वहां पे उनको पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट्स से वो प्रोडक्ट को उधर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कैसा है, बी टू ई। उसके बाद बात करते हैं एक मिनट एक मिनट, कॉलेज से कॉल आ रही है, एक मिनट। हाँ, तो बी टू बी आपका हो गया, बी टू सी हो गया, बी टू ई हो गया। अभी बात करते हैं सी टू सी की। बी टू ई क्लियर है सभी को? अच्छा, सी टू सी कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सी टू सी कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सी टू सी यानी कि कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर? सी टू सी हाँ, इसमें मतलब कस्टमर सेकंड हैंड जैसे ओएलएक्स ले सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल सही, ओएलएक्स इसका एग्जांपल है सी टू सी का, ईबे इसका एग्जांपल है सी टू सी का। मतलब अगर मैं ओएलएक्स की बात करूं तो वहां पर क्या होता है, आपको कोई भी आपको प्रोडक्ट अगर बेचना है, आप ओएलएक्स पे जाके आप उसको डिस्प्ले करते हो, ठीक है, उसके उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उधर देते हो और जिसको खरीदना है वो उसी साइट पे जाके उधर उसको बाय कर सकता है। तो ओएलएक्स के लिए तो दोनों कस्टमर है ना, ओएलएक्स के लिए तो जो बायर है वो भी कस्टमर है, जो सेलर है वो भी कस्टमर है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसा है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या ईबे का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहां भी यही चीजें होती है। ठीक है, There are many sites offering free classified actions and forums where individual can buy and sell. ठीक है, आप buy और sell दोनों चीजें वहाँ पर कर सकते हो। Consumer to consumer e-commerce और C2C is simply commerce between private individuals or consumers. ठीक है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट आपको दिख रही होगी, स्क्रीन तो आपको प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है ना, स्क्रीन पर, स्क्रीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? No sir. ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक वेबसाइट दिख रही है आपका, यहाँ पर एक कस्टमर है जिनको सेल करना है, वांट टू सेल प्रोडक्ट, दूसरे कस्टमर टू हैं इनको बाय करना है और इन्होंने वेबसाइट के थ्रू ये ट्रांजेक्शन किया और कस्टमर जो टू है इन्होंने प्रोडक्ट को रिसीव किया और कस्टमर वन है इन्होंने रिसीव किया, मनी रिसीव किया। ठीक है, इस तरह से ये ट्रांजेक्शन हो गया सी टू सी। इसके बाद बात करते हैं बी टू जी यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस टू गवर्नमेंट हो रहे हैं, मतलब अगर सपोज गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रोडक्ट को बाय कुछ सर्विसेज लेनी है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन लाइक सर डिफेंस सर्विसेज होती हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वहां पे जो ट्रांजेक्शंस जो हो रहे हैं वो कैसे हैं, बी टू जी। ठीक है, बी टू जी बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स और बी टू जी इज जनरली डिफाइंड एज ए कॉमर्स बिटवीन कंपनीज एंड द पब्लिक सेक्टर। इट जैसे कि पब्लिक सेक्टर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक सेक्टर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका और कंपनीज के बीच जो भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं। इट रिफर्स टू द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर पब्लिक
procurement, licensing procedures and other government related operations. जैसे कि business pay taxes, तो ये भी transaction है. File reports, sell goods and services to government agencies. ये सारे आपके example आ गए B2G के. ज़्यादा time नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसा topic नहीं है इसमें ज़्यादा time दिया जा सके और भी time ज़्यादा बचा भी नहीं हुआ है यहाँ पर. तो pros and cons of e-commerce, तो सबसे पहले इसके advantages की बात करते हैं. No checkout queues, ठीक है, यहाँ पर कोई क्यू वगैरह नहीं होते. जैसे कि अगर आप बिग बाजार या बिग बाजार वगैरह में जाते होगे तो वहाँ पे क्या होता होगा, पेमेंट करने के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी लंबी क्यू लगी होती थी. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपने प्रोडक्ट को लिया और तुरंत आप उधर बाय करके चले आए, ठीक है. रिड्यूस प्राइजेस, क्योंकि इंटरमीडिएटरी ज़्यादा नहीं होते हैं तो इसलिए आपको कम रेट पर प्रोडक्ट मिल जाते हैं. यू कैन शॉप एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, कहीं का भी आप कहीं से भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हो थ्रू ऑनलाइन मोड. इजी एक्सेस 24 आवर, मतलब कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो. वाइड सिलेक्शन टू कैटर फॉर ऑल कंज्यूमर्स, मतलब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं कस्टमर के पास. अभी मैं किसी शॉप पे अगर जाता हूँ, सपोज मुझे मोबाइल लेना है, तो वहाँ पे उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, लिमिटेड अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे जिसमें से मुझे सेलेक्ट करना होगा. लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन मोड में अगर मैं लेना चाहूंगा तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मुझे उधर दिखेंगे, ठीक है. तो वो एक एडवांटेज है इधर का. अभी डिसएडवांटेजेस क्या 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 है, अनेबल टू एग्जामिन प्रोडक्ट पर्सनली, ठीक है, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं. मतलब आप पर्सनली उस प्रोडक्ट को नहीं देख सकते, उसको जो है टेस्ट नहीं कर सकते, उसको चेक नहीं कर सकते कि कैसा है प्रोडक्ट, वो पर्सनली आप उसको एग्जामिन नहीं कर सकते. नॉट एवरी वन इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अभी ये एक प्रॉब्लम है. जैसे मैंने बताया था टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 35% पॉपुलेशन ही इंटरनेट यूजर्स है, तो बाकी के जो 65% है वो ये ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट यूज नहीं करते. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर थेफ्ट. ये एक इशू बहुत बड़ा है कि भाई आपने ट्रांजेक्शन किया, आपने पेमेंट किया, उधर से इंफॉर्मेशन किसी ने एक्सेस कर लिया आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसने एक्सेस कर लिया, उसने चुरा लिया और फिर वो उसको यूज कर रहा है, तो ये एक इशू है, ये एक प्रॉब्लम है. और ऑन एवरेज ओनली 1/9 ऑफ स्टॉक इज अवेलेबल ऑन द नेट. एक तरफ तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिया गया केवल 1/9 स्टॉक जो है आपका ऑनलाइन अवेलेबल है, बाकी ऑफलाइन अवेलेबल है, ठीक है. तो ये एक इशू है, ये एक प्रॉब्लम है. फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया, द पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ इन ई कॉमर्स इन इंडिया हैज कॉट द अटेंशन ऑफ सेवरल रीजनल. अभी तो मेरे ख्याल से ये डेटा अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से पुराना मुझे लग रहा है, अभी इस समय तो का डेटा तो मिलेगा भी नहीं, तो इस समय तो अभी मेरे ख्याल से बहुत तेजी से इधर जो आपकी ई कॉमर्स जो सेक्टर है जो इधर बहुत तेजी से ग्रोथ आया होगा इसमें, और मेरे ख्याल से ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे इधर इस टाइम पे. द पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ इन ई कॉमर्स इन इंडिया हैज कॉट द अटेंशन ऑफ सेवरल रीजनल प्लेयर्स लाइक फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एंड ऑल्सो द ग्लोबल जायंट्स लाइक अमेजॉन, अलीबाबा फ्रॉम बीइंग द वर्थ just about 3.9 billion US dollar in 2009, to bahut purana data hai. On retail is worth 38 billion US dollar in 16 and it is expected to generate about 100 billion US dollar in revenue by 2020. Abhi 2020 to mujhe lagta hai 100 nahi 200 ho gaya hoga. Statistics suggest the future of internet lies in mobile. एक चीज ये भी है, मोबाइल के आ जाने से ये ग्रोथ और तेजी से हो रही है. क्यों? क्योंकि अभी लोग को अगर जो है कोई भी ट्रांजेक्शन कुछ भी ऑनलाइन खरीदना है तो उनके लिए और ज्यादा आसान हो गया है, ठीक है. आप 24 आवर आपके पास मोबाइल होता है, आप कभी भी उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो और उधर से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो. एक्सपर्ट सेज मोर देन 580 मिलियन people in India will use internet by 18 purana data hai and 70-80% of them will access the web on mobile phones, theek hai.
ये बात कर रहे हैं कि ड्रोन डिलीवरी कंपनीज हैव वर्किंग, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। ड्रोन डिलीवरी अभी तो मैंने नहीं देखा है ऐसा कुछ ड्रोन डिलीवरी होते हुए। कंपनीज हैव बीन वर्किंग देयर वे अराउंड टू इनोवेट द डिलीवरी प्रोसेस टू शॉर्टन ह्यूमन एफर्ट एज वेल एज टाइम। द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज डिलीवरी बाय ड्रोन्स। ये शायद इंडिया में नहीं लेकिन मेरे ख्याल से बाहर की कंट्रीज में ऐसा चीजें स्टार्ट हो गई है। ट्रायल स्टार्ट हुआ है सर। हाँ, ट्रायल स्टार्ट हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में बैंगलोर में सर हुआ। जापान में हुआ था शायद, अमेरिका में सर, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था सर शायद। मैंने जो न्यूज में देखा था जापान में, लेकिन हो सकता है। ठीक है, अभी तो इस समय तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा जी सर, फूड डिलीवरी का। हाँ ठीक है, नेक्स्ट गूगल्स बाय नाउ बटन। मेरे ख्याल से ये भी अभी अवेलेबल है, बाय नाउ बटन। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा पुरानी पीपीटी है, बाय नाउ बटन। मगर गूगल पे आप जाकर आप तुरंत उधर से आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, आपको कोई वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। गूगल इज रिपोर्टेडली वर्किंग ऑन इट्स ओन बाय नाउ स्टाइल बटन दैट वुड अलाउ ई शॉपर्स सर्च फॉर प्रोडक्ट ऑन गूगल एंड परचेज देम विद अ सिंगल क्लिक। हाँ, ये चीज तो अभी अवेलेबल है, राइट थ्रू गूगल्स ओन सर्च रिजल्ट पेज। तो ये सारी चीजें तो अभी अवेलेबल हैं, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सारी चीजें अब तो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका टॉपिक हो गया है। मेरे ख्याल से इस टॉपिक में इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, हुई होगी आप लोगों को। और अगर कुछ किसी भी पॉइंट पे किसी भी टॉपिक में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ क्वेरी हो, तो अभी आप लोग पूछ सकते हो। और जल्दी ही मैं अभी सरप्राइज लेने वाला हूँ, ठीक है, इसी वीक हो सकता है मैं ले लूँ। मैं ही क्या, सारे लोग इसी वीक लेने वाले होंगे मेरे ख्याल से, तो आप लोग अभी एब्सेंट मत होना इधर। आप लोगों को पता है कितने सरप्राइज टेस्ट होने हैं? 10 होने हैं, ठीक है। हाँ, तो हर वीक एक होगा ही होगा, अभी वीक में एक तो सरप्राइज होने ही पड़ेंगे, तभी पॉसिबल है वो सारे खत्म हो पाए। ठीक है, और दूसरी चीज, मैंने ट्यूटोरियल शीट आप गूगल क्लासरूम में डाल दिया है, 31st अगस्त उसकी लास्ट डेट है, उसको आप लोग उससे पहले 31st अगस्त से पहले आप लोग उसको सबमिट कर देना। सर खाली लॉन्ग करने ना? हाँ क्यों लॉन्ग करने सर, कौन से पेज सर, A4 में करने की कॉपी के पेज में? जैसे लास्ट टाइम जैसे किया था वैसे कर दो यार, अब ये सब भी बताने की। नहीं, सबमिट करना होगा बस केवल खुद ही करना, दूसरे का किया हुआ नहीं करना। ठीक है, नहीं नहीं सर, क्योंकि वो तो पता चल ही जाता है अगर किसी दूसरे का। ठीक है थैंक यू, मैं जा सकता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।